ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस छोड़ हाल में बीजेपी का हाथ थामने वाली पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने रालोपा के मुखिया हनुमान बेनीवाल को सीधी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल में अगर दम है, हिम्मत है, तो वे अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। नागौर में दोनों एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। दोनों ही जाट नेता है और बेनीवाल पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योति को बड़े अंतर से हरा चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बेनीवाल ने बीजेपी का साथ गठबंधन करके जीता था। यहां ज्योति ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमाई थी। इस बार भी दोनों के आमने सामने होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बता दें, कांग्रेस में घुटन भरा माहौल होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति मिर्धा पहली बार बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची थी। उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल में दम है तो वे गठबंधन छोड़कर अकेले चुनाव लड़े, उन्हें पता चल जाएगा। ज्योति ने आगे कहा, हनुमान बेनीवाल ने मुझे हराने के लिए बीजेपी से गठबंधन किया था, लेकिन अब उनका वो गठबंधन नहीं है। अब चर्चा चल रही है कि वे कांग्रेस से गठबंधन करने जा रहे हैं। मेरी उनको चुनौती है कि वे अकेले आए चुनाव लड़े, वहीं घोड़े वही मैदान है, पता चल जाएगा। हनुमान बेनीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए ज्योति मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, उन्हें अपना रिकॉर्ड ठीक करना चाहिए। आज तक मेरे या मेरे परिवार पर किसी तरह की कोई भी ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं हुई। हमारा नाम किसी भी एफआईआर में नहीं है। किसी भी तरह की जांच हमारे खिलाफ पेंडिंग नहीं है। इससे पहले हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि ज्योति मिर्धा व उनके परिवार पर ईडी की कार्रवाई के दबाव के चलते ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन की है। इस पर ज्योति ने कहा, हनुमान बेनीवाल को अन्य गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जो लोग ज्योति मिर्धा को जानते हैं उन्हें पता है कि ज्योति किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है। इसके साथ ही ज्योति मिर्धा ने बीजेपी में आने के बाद कहा कि देखिए, सबको पता है कि कांग्रेस से मेरा पुराना नाता रहा था। हमारे कारण कुछ लोकल थे, जिसकी वजह से मेरे में कोई मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती कि एक मायूसी भी थी कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने आप को कमजोर करके और क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत कर रही थी वहाँ पर। तो ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि हम हमारे काम नहीं करवा सकते थे, हमारे कार्यकर्ताओं के काम नहीं करवा सकते थे और एक घुटन सा माहौल बन गया था। मीनवाइल बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप थी, उन्होंने मुझे अप्रोच करा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप, हम चाहते हैं आप बीजेपी ज्वाइन करें। और मेरी उनसे सिर्फ जो सब कहते हैं कि भाई आपकी उनसे क्या बातचीत हुई, क्या आपके शर्तें रखी गई, मैंने कहा सब मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी सिर्फ एक शर्त है कि मुझे काम करने का, मेरा पॉइंट प्रूव करने का मौका दिया जाए। ईमानदारी से अगर पार्टी मुझे आगे रखती है, काम करने का मौका देती है, तो मैं तो सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि दिल से काम करना चाहती हूँ। जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।